हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एसपी चल रहा था, फिफ्थ चैप्टर्स पर पहुँच चुके हैं। मतलब अगर फिफ्थ या सिक्स चैप्टर खत्म हो गया, मतलब 50% पोर्शन इज हुआ। सिक्स चैप्टर वैसे तो आपके बाद सिक्स सेवन और एट जो होगा आपका प्योरली क्या रहेगा, प्रैक्टिकल बोल सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपके लेटर्स हैं। सो वहाँ पे मेरा एफर्ट्स, मैंने तुमको डे वन पे बोला है कि वहाँ पे मेरा एफर्ट्स 10% हो जाएगा, आपका एफर्ट्स 90% हो जाएगा। इसलिए थियरी पढ़ने का मेन पर्पज़ यही है कि अगर आपने थियरी डिटेल में नहीं पढ़ा तो आपको लेटर्स नहीं जमेगा। और डे वन से बोल रहा हूँ कि एसपी एक लाइक का ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे आपके हाथ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ बच्चों लोग थोड़ा फोकस करना, एसपी वाले स्पेशली एसपी वाले बच्चों लोग थोड़ा फोकस रखना अपने आप पे, और एसपी को लीनियन नहीं समझना। क्योंकि आपने अगर एसपी को ओसी के साथ कंपेयर किया, इकोनॉमिक्स के साथ कंपेयर किया, तो भाई डिफ़िकल्टी हो जाएगी। इको ओसी की तरह मत समझो इसको, इसको अलग सब्जेक्ट समझो। इज़ लाइक अ अकाउंट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कैसे लिखना है, क्या लिखना है। बिकॉज थोड़ा लॉ टर्म है, ऑलमोस्ट लॉ टर्म है, थोड़ा क्या बहुत सारा लॉ टर्म है जहाँ पे आपको स्पेसिफिक लिखना है। स्पेसिफिक लिख के आए तो मार्क्स फुल कवर कर सकते हो, बट हाँ अगर नहीं लिख के आए तो जीरो हो जाएगा। यस, चलो चैप्टर नंबर 5 शुरू कर दिया था। बिफोर स्टार्ट द लेक्चर्स, इफ़ एनीवन नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, तो प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर हम लोग के साथ जुड़े रहना है तो प्लीज़ बच्चे लोग सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। अदरवाइज आपको मालूम ही नहीं गिरेगा कभी हिरेन सर के वीडियोस आके चले गए। तो बेटर है कि चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। लास्ट सेशन में अपन ने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था डिपॉजिट के बारे में, जहाँ पे अपन डिपॉजिट का मीनिंग पढ़ा था, कंसेप्ट पढ़ रहे थे सर्टन, और टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े थे किसके, पब्लिक डिपॉजिट के। आज चैप्टर ऑलमोस्ट कंक्लूड हो जाएगा। जो होगा अपने को दो ही क्वेश्चन पढ़ने, गिन के काउंट करो तो इसमें तीन ही क्वेश्चंस थे। एक तो था टर्म्स एंड कंडीशन, एक अभी आज जो और दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो होगा एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। दोनों के क्वेश्चन देखोगे, पॉइंट देखोगे तो सेम ही है, 15-15 पॉइंट्स इन लोग ने दिया है, उसके अलावा कुछ अलग ट्विस्ट दिया नहीं है। आंसर सेम ही बोल सकते हो, खाली एक क्वेश्चन पढ़ के आपके दो आंसर लिख सकते हो, खाली अलग क्या है वो तुम लोग को मैं समझा दूंगा कि अलग क्या होगा। यस, बाकी दोनों की प्रोसीजर है। दोनों की प्रोसीजर की बात करूं कि अगर आपको पब्लिक से पैसा उठाना है और अगर आपको मेंबर से पैसा उठाना है तो क्या अलग है, अदरवाइज दोनों की प्रोसीजर क्या है, सेम है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशंस, एंड सेशन बहुत शॉर्ट होगा और चैप्टर कंक्लूड कर देंगे, और नेक्स्ट सेशन में अपन चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज पढ़ के। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, जस्ट तुम लोग को अपडेट कर देता हूँ, जैसे अपना पूरा एसपी हो जाएगा ना कवर बुक का, मेरी स्पेशल नोट्स लेके आऊँगा जहाँ पे मैं पूरा एसपी को बड़ी, मतलब जो 100-150 पेज की बुक है उसको पूरा ब्रीफ करके मैं कितने पेज पे लेके आऊँगा, 50-40 पेज में ट्राई करूँगा, 50-60 पेज में मैं क्या करूँगा, पूरा ब्रीफ में क्या करूँगा, एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। वो मेरी बुक होगी, स्पेशल मेरी बुक होगी, ठीक है। वो अभी एग्जाम मतलब दिवाली के बाद लाएंगे, तब तक पोर्शन चलते रहेंगे, बट हाँ उसके लिए भी आपको अपडेट रहना है। यस, चलो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यहाँ पे हाईलाइट करना है पॉइंट पब्लिक से, कि अगर मुझे एज अ कंपनी का अगर पब्लिक से पैसा उठाना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ओनली इलिजिबल पब्लिक कंपनी, यू नो वेरी वेल, देखो यहाँ पे इसलिए क्लियरली बोला है, आपको खुद को मालूम है कि खाली प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक के पास मांग नहीं सकती। पब्लिक कंपनी अगर वो इलिजिबल कंपनी नहीं है तो भी वो पब्लिक के पास नहीं जा सकती, इवन दो पब्लिक कंपनी है तो भी। अगर आप पब्लिक कंपनी हो और आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, ध्यान से सुनो बच्चे लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप पब्लिक कंपनी हो और जो क्राइटेरिया है आपका टर्नओवर और नेटवर्क का, अगर वो आप फुलफिल करते हो तो ही यू आर कंसिडर, और तू ही आप क्या कर सकते हो, पब्लिक से पैसा उठा सकते हो डिपॉजिट के फॉर्म में, अदरवाइज पैसा उठा सकते नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए इन लोग ने स्टार्टिंग में लिख दिया है कि ओनली इलिजिबल पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से पैसा उठाएगी उसके लिए ये प्रोसीजर है। Can accept a deposit from public, following is the procedure to be followed for accepting of deposit from public. देखते हैं वन बाय वन पहला पॉइंट क्या लिखा है। पहला तो क्या करना है, आपको बोर्ड मीटिंग होल्ड करना है, कंडक्ट करना है, मतलब बोर्ड मेंबर से परमिशन लेनी है। इन शॉर्ट
बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू पास द रिजोल्यूशन टू एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. द डिटेल ऑफ द अमाउंटिंग ऑफ डिपॉजिट टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगे, अमाउंट कितना एक्सेप्ट करेंगे, वो सब चीजें क्या होगी, डिसाइड होगी कुछ देर मीटिंग के अंदर, मतलब बोर्ड मीटिंग के अंदर. ऑल्सो डेट एंड टाइम टू होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर टू गेट देयर अप्रूवल फॉर कलेक्टिंग डिपॉजिट इज डिसाइडेड इन द बोर्ड मीटिंग. मतलब वो बोर्ड मीटिंग में आपको डेट एंड टाइम भी फिक्स करना है कि अपन मेंबर से कभी मीटिंग बुलाए और उन लोग से भी कभी रिजोल्यूशन पास कराए. ऑफकोर्स अगर आप लोन उठा रहे हो तो शेयर होल्डर को तो पूछना पड़ेगा ना, बिकॉज शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी. लोन डिपॉजिट इज ए काइंड ऑफ लोन. तो इन लोग ने बोला कि हम लोग डेट एंड टाइम भी फिक्स करेंगे किसके लिए, जनरल मीटिंग के लिए. और जनरल मीटिंग किसकी होती है, शेयर होल्डर की होती है. तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा होल्ड अ जनरल मीटिंग. कंपनी होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर टू सीक मतलब लेना, अप्रूवल लेना, सीक देयर अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ पे हाईलाइट करना, ये ऑब्जेक्ट इसमें आता है. स्पेशल रेजोल्यूशन क्या करना है, पास करना होगा. स्पेशल मतलब 75% अगर शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे तो ही आप डिपॉजिट ले सकते हो, अदरवाइज डिपॉजिट नहीं ले सकते. इज पास एंड इट हैज टू बी फाइल विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड इज नीडेड विद द RBI ऑल्सो. ये रिजोल्यूशन जो शेयर होल्डर ने पास किया रहेगा वो ROC के पास भी क्या करना है, फाइल करना है. ROC का फुल फॉर्म क्या होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी, वो भी कितने दिन में, विद इन 30 डेज में. आपके लिए एडिशनल नॉलेज है. नेक्स्ट, एक बार मेंबर्स के अप्रूवल लेने के बाद वापस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करेंगे कि हाँ भाई मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया, अभी अपन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. तो वापस से बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट. ऑफकोर्स परमिशन दे दिया है तो वापस से बोर्ड मीटिंग मिला के अपन अभी क्या करेंगे, आगे की प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे. तो आगे की प्रोसीजर क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट छपाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म सर्कुलेट करेंगे और सब जो भी इंटरेस्टेड रहेगा वो क्या करेगा, कंपनी के अंदर पैसा डालेगा विथ एप्लीकेशन मनी. तो एडवर्टाइजमेंट के लिए ड्राफ्ट रेडी करेगा. ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एज नीडेड अंडर द एक्ट शुड बी इंक्लूडिंग इन द एडवर्टाइजमेंट. द ड्राफ्ट शुड बी साइन बाय मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. जो ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट रेडी किया रहेगा वो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, सपोज फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर है तो मेजोरिटी कितना होगा, 2 डायरेक्टर को साइन करना पड़ेगा. अगर 10 डायरेक्टर है तो 6 डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा. इसका मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर. नेक्स्ट, एक बार ये हो जाने के बाद आपको बैंकर को भी अपॉइंट करना है क्योंकि आपको एप्लीकेशन मनी आना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट मनी आना शुरू हो जाएगा. तो बैंकर को अपॉइंट करेंगे मतलब आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट ओपन करना है और वो बैंकर को क्या बोलना है, तुम लोग अथॉरिटी देनी है कि आप क्या करोगे, कंपनी के बिहाफ में पैसा फंड कलेक्ट करो. कंपनी हैज टू अपॉइंट अ बैंकर वेयर द एप्लीकेंट विल बी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द डिपॉजिट मनी. एप्लीकेशन क्या करेगा, एप्लीकेशन मनी सबमिट करेगा. नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग भी कराना है आपको, वन ऑफ द क्योंकि लोन उठा रहे हो तो आपको रेटिंग एजेंसी से रेट बनाना है और वो रेटिंग जो भी आया रहेगा, A+ B+ जो भी रेटिंग आया रहेगा वो एडवर्टाइजमेंट में भी लिखना पड़ेगा. फ्रॉम कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. दिस रेटिंग शुड बी मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट. नेक्स्ट, देखो मैं तो तुमको बोला कि एडवर्टाइजमेंट भी वो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं लिख रहे हो तो सामने वाले को कैसे मालूम रहेगा कंपनी इज अ सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट. अब ये सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट क्या होता है, कंपनी इज कैपेबल और नॉट कैपेबल टू रिपेमेंट. नेक्स्ट है अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टी. डिबेंचर ट्रस्टी के अंदर भी डिबेंचर ट्रस्टी था, सेम लाइक यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टी. आपको डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना है डिपॉजिट के फेवर में. कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी. डिपॉजिट ट्रस्टी कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बिटवीन द कंपनी एंड द ट्रस्टीज. द डीड हैज टू बी साइंड एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द इश्यूएंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट छपवाने से पहले आपको डिबेंचर ट्रस्टी को हायर कर देना है बिफोर 7 डेज. नेक्स्ट, टेक अ डिपॉजिट इंश्योरेंस. कंपनी एंटर इन टू द एग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर टेकिंग अ डिबेंचर डिपॉजिट इंश्योरेंस. मैं घड़ी घड़ी डिबेंचर बोल रहा हूँ पर कंसिडर करना डिपॉजिट. यस, डिपॉजिट इंश्योरेंस द एग्रीगेट शुड बी साइन एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द इश्यूइंग द एडवर्टाइजमेंट. आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस भी कभी करना है पहले विद इन थर्टी डेज में करना है एडवर्टाइजमेंट छपने के बाद. जैसे डिबेंचर में था सेम, देखो डिबेंचर एंड डिपॉजिट का सब चीजें सेम ही होगी. डिबेंचर इज फॉर द लॉन्ग टर्म लोन और डिपॉजिट इट्स फॉर द शॉर्ट टर्म लोन. नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 8. फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी. जो एडवर्टाइजमेंट आप पब्लिक को छपवाओगे वो पहले रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, नथिंग बट ROC के पास, गवर्नमेंट के पास.
जान से सुनो, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने से पहले अगर गवर्नमेंट के पास सबमिट करते हो उसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगी पब्लिश करने के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर। अ कॉपी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी 30 डेज आफ्टर द फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी कैन पब्लिश द एडवर्टाइजमेंट। आप 30 दिन के बाद क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो न्यूज़पेपर के अंदर। अगर कुछ डाउट रहेगा गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट आपको विद इन 30 डेज में क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, एडवर्टाइजमेंट शुड बी पब्लिक, ऑफ कोर्स पब्लिश कर देना है वन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में, जो अपन ने डिबेंचर के केस में भी पढ़ा था। इंग्लिश मतलब नॉर्मल इंग्लिश और वर्नाक्यूलर मतलब जो स्टेट में आपकी रजिस्टर ऑफ कंपनी होगी, सपोज कि फॉर एग्जाम्पल रिलायंस मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का क्या होगा वर्नाक्यूलर लैंग्वेज कौन सी होगी, मराठी होगी। तो अगर गुजरात में तो आपकी कंपनी गुजरात में तो गुजरात बेस्ड वर्नाक्यूलर लैंग्वेज गुजराती होगी। तो वर्नाक्यूलर का मतलब होता है दो न्यूज़पेपर में आपको सबमिट करना है, पब्लिकेशन करना है, पहला इंग्लिश और सेकंड वर्नाक्यूलर, मतलब जो स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर होगी वो कंपनी में। कंपनी हैज टू इश्यू एडवर्टाइजमेंट आफ्टर द 30 डेज ऑफ द फाइलिंग विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। द एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी पब्लिश इन वन न्यूज़पेपर, वन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन मोर वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर हैविंग अ वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट वेयर द कंपनी रजिस्टर ऑफिस इज लोकेटेड। मतलब जो कंपनी जो स्टेट में रजिस्टर होगी वो स्टेट में जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज तो ऑफकोर्स है, और जो वाइड रेंज है, वाइड रेंज में क्या होगा आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना मतलब पब्लिश करना पड़ेगा। नेक्स्ट पड़ेंगे वो एडवर्टाइजमेंट, आप चाहो तो अपनी वेबसाइट रहेगी तो वो वेबसाइट पे भी क्या कर सकते हो, आप पब्लिश कर सकते हो। अपलोड द एडवर्टाइजमेंट ऑन द कंपनीज वेबसाइट आफ्टर रिलीजिंग द एडवर्टाइजमेंट टू द पब्लिक, इट हैज टू बी अपलोडेड ऑन द कंपनीज वेबसाइट। अगर कंपनी की वेबसाइट है तो कंपनी की वेबसाइट पे भी क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा वो एडवर्टाइजमेंट को। नेक्स्ट है पब्लिश करने लोगों तो ऑफकोर्स पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, कंपनी इन्फॉर्म द बैंकर्स टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द डिपॉजिट मनी। नेक्स्ट, इश्यू डिपॉजिट रिसीव, ऑफकोर्स कुछ अगर आप पैसा ले रहे हो तो कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा ना उन लोग को कि हाँ भाई पैसा लिया है, कल उठ के कंपनी मुखर गई तो बोलेगे आपने कभी पैसा दिया था। तो आपको जैसे अपन शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं, वैसे आपको डिपॉजिट रिसीप्ट देनी पड़ेगी विद इन 21 डेज। ऑब्जेक्टिव में जाना ये ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ा था। कंपनी हैज टू इश्यू डिपॉजिट रिसिप्ट विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। आपको विद इन 21 दिन में क्या देना पड़ेगा, डिपॉजिट रिसिप्ट देनी पड़ेगी एज अ एक्नोलेजमेंट के फॉर्म में। नेक्स्ट, क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट, अगर आपने सिक्योर डिपॉजिट दिया है तो आपको चार्ज करना पड़ेगा, मतलब कोई भी असेट गिरवी करनी पड़ेगी उसका मतलब होता है चार्ज करना पड़ेगा। कंपनी इश्यू सिक्योर डिपॉजिट हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन द इट्स असेट विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट। 30 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। 14th पॉइंट क्या बोलता है, मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। ऑफकोर्स जैसे मेंबर्स का बनता है, डिबेंचर का बनता है, वैसे डिपॉजिटर का भी बनेगा क्या, रजिस्टर, और वो मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, कितना पैसा दिया, क्या दिया, वो सब चीज़ें रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यूज ऑफ द डिपॉजिट रिसीव, सेक्रेटरी हैज टू एंटर द डिटेल ऑफ द डिपॉजिट कलेक्टेड इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, द एंट्रीज हैज टू बी वेरीफाइड बाय द ऑथोराइज ऑफिसर। भाई बराबर नाम तो लिखा है कि नहीं लिखा है, मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर वाई का नाम तो नहीं लिख दिया है ना, तो वो प्रॉपर क्या करेगा, ऑथोराइज ऑफिसर चेक भी करेगा। और लास्ट में 15th पॉइंट जो होगा, रिटर्न फाइल करना है, क्या रिटर्न फाइल करना है, डिपॉजिट फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। कंपनी हैज टू फाइल द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट बिफोर 30 जून, बिफोर 30 जून एवरी ईयर द रिटर्न हैज टू बी डिटेल ऑफ द डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31st मार्च। सपोज की फॉर एग्जाम्पल ये जैसे कि तुम लोग ने टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ा था ये वाला पॉइंट, 31st मार्च 2023 इसे क्लोज हुआ रहेगा, तो उसके 3 महीने में 30 जून 2023 के अंदर, मतलब विद इन 3 महीने के अंदर क्या करना है आपको, फाइल कर देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पॉइंट्स, हो जाएगा किसके, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ये जो 15 पॉइंट्स आपको जो दिख रहा है, सेम 15 पॉइंट्स किसके अंदर है, मेंबर्स के अंदर है। खाली जहां पे वर्ड पब्लिक यूज हुआ है वहां पे वर्ड क्या यूज हो जाएगा, मेंबर, और एडवर्टाइजिंग की जगह क्या यूज हो जाएगा, सर्कुलर। बस उसके अलावा कोई चेंज नहीं है किसके अंदर, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर।
यस चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसीजर प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। खाली दो ही चेंज है, मतलब आप एक क्वेश्चन पढ़ के दो आंसर्स लिख सकते हो, एक क्वेश्चन पढ़ के दो आंसर्स लिख सकते हो। कितना इजी है, अगर सपोज कि कोई एग्जाम में आ जाता है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो आप अगर मेंबर्स का भी पढ़ के गए रहेगा तो टेंशन लेना नहीं है। खाली मेंबर की जगह पब्लिक यूज कर देना और एडवर्टाइजमेंट की जगह सर्कुलर की जगह एडवर्टाइजमेंट यूज करना। मतलब पब्लिक आएगा वहां पे एडवर्टाइजमेंट आएगी, पब्लिक आएगा वहां पे एडवर्टाइजमेंट आएगा और मेंबर होगा वहां पे सर्कुलर होगा, ठीक है। क्योंकि मेंबर्स को तो घर के ही है, सर्कुलर कर दो, पर पब्लिक बहुत लार्ज लेवल पे है तो आपको एडवर्टाइज के फॉर्म में क्या करेगा पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। लास्ट क्वेश्चन होगा ये सेशन का भी और चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा अपना। द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। पहला क्या लिखा है, होल्ड अ बोर्ड मीटिंग, जो वहां पे भी था यहाँ पे भी है। द सेक्रेटरी अरेंज फॉर द बोर्ड मीटिंग, द इन द बोर्ड मीटिंग डिसीजन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, एटेक्स्ट्रा एंड डेट ऑन टू होल्ड द जनरल मीटिंग सीक द शेयर होल्डर अप्रूवल। सेकेंड मीटिंग जनरल मीटिंग होगी जहाँ पे मेंबर शेयर होल्डर क्या करेंगे अप्रूव करेंगे। टू सीक द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट कंपनी होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, द स्पेशल रिजोल्यूशन पास इज टू बी फाइल विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। यहाँ पे भी कौन सा रिजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा और वो रिजोल्यूशन आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास क्या करना पड़ेगा फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। एडिशनल नॉलेज नेक्स्ट होगा आपका पॉइंट नंबर 3, होल्ड अ बोर्ड मीटिंग। वहां पे भी सेम पॉइंट था, आफ्टर गेटिंग अ शेयर होल्डर अप्रूवल द बोर्ड मीटिंग इज टू बी हेल्ड टू अप्रूव द ड्राफ्ट सर्क्यूलर। वहां पे वर्ड था एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा सर्क्यूलर। यस फॉर इनवाइटिंग द एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स, द ड्राफ्ट शुड बी साइन बाय मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर 4, अपॉइंट अ बैंकर। वहां पे भी था अपॉइंट अ बैंकर, कंपनी अपॉइंट अ बैंकर टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट रिसीव। नेक्स्ट ऑब्टेन द क्रेडिट रेटिंग, वहां पे भी सेम पॉइंट है, यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, आपको रेटिंग भी करवाना है वन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से और वो रेटिंग आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं, किसमें लिखना है सर्कुलर में भी लिखना है, जो भी आपको आया रहेगा A+, BB जो भी रेटिंग दिया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, वो एजेंसी का नाम और उसने जो रेटिंग दिया है वो आपको सर्कुलर में लिखना पड़ेगा बॉस। नेक्स्ट 6, अपॉइंटेड डिपॉजिट ट्रस्टी, आपको ट्रस्टी भी अपॉइंट करना है। यस मेंबर से ले रहे हो कि पब्लिक से ले रहे हो, डिबेंचर ट्रस्टी तो अपॉइंट करना ही है आपको। यस कंपनी अपॉइंटेड डिबेंचर ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड इज टू बी साइन एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द इश्यूइंग ऑफ द सर्क्यूलर। टेक अ डिपॉजिट इंश्योरेंस, कंपनी टेक द डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द इश्यूइंग द सर्क्यूलर। 8, फाइल अ कॉपी ऑफ फाइल अ कॉपी विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, जो भी सर्क्यूलर आप फाइनल कर रहे हो ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट आपको किसके पास सबमिट करना है आफ्टर सिग्नेचर रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ पास करना है और आफ्टर 30 डेज के बाद ही आप क्या करोगे मेंबर्स को सर्कुलेट करोगे। आफ्टर 30 डेज ऑफ फाइलिंग कंपनी कैन इश्यू द सर्कुलर, इश्यू सर्कुलर टू द मेंबर, मेंबर को क्या करना है सर्कुलर करना है, बट हाँ 30 डेज ROC के बाद फाइल करने के बाद, मतलब 30 डेज वेट करना है आपको। कंपनी हैज टू सेंड अ सर्कुलर टू द मेंबर आफ्टर 30 डेज ऑफ द फाइलिंग इट विद द रजिस्टर, इट इज सेंड बाय द रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट और ईमेल। कंपनी में इवन अ पब्लिश द सर्कुलर इन अ न्यूज़पेपर, चाहे तो इज नॉट कंपलसरी, चाहो तो आप न्यूज़पेपर में भी वो सर्कुलर क्या कर सकते हो पब्लिश कर सकते हो, बट पब्लिक कंपनी में कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहां पे तो एडवर्टाइजमेंट करना ही है। वो सर्कुलर कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी डालेगी, एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी हैज टू अपलोड अ सर्कुलर ऑन द कंपनीज वेबसाइट वेयर एज इट इज ऑप्शनल फॉर द प्राइवेट कंपनी एंड ऑन अदर फॉर पब्लिक कंपनी। कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, ऑफकोर्स पब्लिश करने के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा, कंपनी जो बैंकर हायर किया रहेगा वो बैंक में एप्लीकेशन के साथ साथ फंड क्या हो गए कलेक्ट हो गए, मतलब डिपॉजिट अमाउंट कलेक्ट हो गए। नेक्स्ट इश्यू और डिपॉजिट रिसीव, ऑफकोर्स फ्री में तो मेंबर्स देंगे नहीं पैसा, आपको क्या करना पड़ेगा डिपॉजिट रिसीव एज ए एक्नोलॉजमेंट देना पड़ेगा, वो भी 21 डेज में ही देना है। नेक्स्ट 13, क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट, अगर कोई मेंबर ने सिक्योर डिपॉजिट दिया है तो आपको चार्ज देना। देखो मेरा वर्ड भी चेंज हो गया, जहाँ पे मैं पहले पब्लिक बोला था अभी मेंबर बोल रहा हूँ। यस तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है उसका भी। यस तो यहाँ पे मैं बोला था अगर मेंबर से आप उठा रहे हो पैसा तो आपको चार्ज करना है विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट।
उसकी एंट्री विद इन 7 डेज में आपको कर देना है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट के अंदर मेंशन कर देना है, और बाद में क्या कर देना है, रिटर्न फाइल कर देना है। उसकी ड्यू डेट भी क्या है, सेम ही है, 30 जून आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर ये साल का क्लोजिंग ईयर 31 मार्च 2023 था तो उसके 3 महीने में आपको क्या कर देना है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, जैसे कि इनकम टैक्स होता है वैसे एनुअल रिटर्न फॉर्म होता है, वो रिटर्न क्या करना है, फाइल करना है। ऑब्जेक्टिव उसके लिए ध्यान रखना, 3 मंथ्स मतलब जून तक फाइल कर देना, 30 जून इज अ लास्ट डे फॉर एवरी ईयर। तो प्रोसीजर वाइज तो कुछ ट्विस्ट नहीं था, खाली 2 पॉइंट रिप्लेस करने थे, जहाँ पे वर्ड पब्लिक था वहाँ पे आ गया मेंबर, और जहाँ पे वर्ड एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पे वर्ड आ गया सर्कुलर, या अदरवाइज प्रोसीजर इज सेम। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 5 क्या होता है, कंक्लूड होता है। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने जो वादा किया कि तुम लोग को मैं यहाँ पे एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगा, तो एक्सरसाइज डेफिनेटली मैं सॉल्व कराऊंगा, पर वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक अपडेट रहना, टिल टाइम प्लीज चैनल पे अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।